हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विद प्रिंसी पर। आज मैं आपके लिए एक और मैथ के रिलेटेड नई वीडियो लेकर आई हूँ क्लास टेंथ की। अब हम क्लास टेंथ का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल्स हैं, जो भी क्लास टेंथ में हैं, उन सभी से आप जरूर इस ये वीडियो शेयर कर देना, जिससे उन्हें पता चल जाए कि अब मैं क्लास टेंथ का मैथ पढ़ाने वाली हूँ। क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन की वजह से हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, मतलब ट्यूशन वगैरह स्टार्ट नहीं है, तो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, अगर अच्छा लगे तो जरूर बताना। ऐसे ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऐसे ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो या आर इज लेस देन वी। ठीक है, ये होना चाहिए, यानी आर का मान जीरो हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है, और ये बी से छोटा नहीं होना चाहिए। यानी तो अब हमें क्वेश्चन दिया 135 और 225। तो सबसे पहले हम प्रमेय का हमें पता है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर पता हुआ है, तो हम ए मानेंगे बड़े वाले नंबर को। सबसे पहले हम ए मानते हैं, सबसे बड़े नंबर को मानते हैं, जो जैसे ये है 225 है, तो यानी बड़ा है। अब बी बराबर क्या मानेंगे, 135। अब हम इस हिसाब से इसमें मान में रख देंगे, जो प्रमेय का में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में रख देंगे। बी का मान कितना है, 135। अब क्यू का अभी हमें पता नहीं है कुछ भी, आर का भी नहीं पता है। अब ध्यान रखना, जैसे हमने ये मान रख दिया, अब आप देख सकते हैं कि हमें इसका मल्टीपल चाहिए, यानी एस सी एफ का मतलब क्या होता है, सबसे छोटी से छोटी संख्या दोनों में होनी चाहिए, वही एस सी एफ होता है। मैंने आपको पिछले वीडियोज में समझाया होगा, है आपने अगर मेरी वीडियोज देखी हो तो आप जरूर जाकर देख लें। अब इसमें हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करना है, तो देखिए 135 ही है, और 135 में कितने का मल्टीपल करें कि यहाँ पे रिमाइंडर आ जाए। रिमाइंडर आपको पता होता है, तो 135 इंटू वन क्या आएगा, 135 इंटू वन यानी 135 से गुणा एक बार करेंगे तो 135, रिमाइंडर हमारा कितना बचा बचता है, 90। तो ये हमारा हो गया। ओके, अब हमें पता है, अब जैसे अब इसमें लगाएंगे हम यही प्रेमी का, तो ए बराबर मान कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से, 90, 135 और ये, तो अब 135 को हम यहाँ आप लिखेंगे। अब इसका तो रिमाइंडर हो चुका, अब हमें इसका रिमाइंडर लाना है, 90 इंटू वन प्लस, अब कितना रिमाइंडर बचेगा हमारा बताइए, 45 बचेगा कि नहीं बचेगा, जी हाँ 45 बचेगा बचेगा। अब इसका रिमाइंडर करेंगे तो 90 का, तो 90 का मतलब मल्टीपल करते चले जाते हैं, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा, जीरो। जब तक जीरो ना आ जाए, यानी आर का मान जीरो आ गया, यानी हमारा एस सी एफ कितना है, एस सी एफ कितना आ गया हमारा, 45 आंसर। इन दोनों का एस सी एफ ये आ गया 45। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रमेय का लिख लेते हैं, हम यूक्लिड विभाजन से ही इसको करना है, ये लिख लिया हमने। अब ए बराबर क्या मानेंगे, मान मानते हैं ना बड़े नंबर को, तो 38,200, और बी बराबर 196 मान लिया। अब हम इस तरीके से इसमें रखेंगे, तो 38,200, 196, इसका आपको मालूम हुआ क्यों का मतलब कॉन्टिनेंट होता है, और आर का मतलब होता है रिमाइंडर, ध्यान रखना इन चीज़ों का। अब देखिए हमें चाहिए कितना मल्टीपल होगा इसका, और रिमाइंडर भी हमारा आ जाए उस हिसाब से, तो हम 196 का 196 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा वन नाइन्टी सिक्स का हम भाग देकर देखते हैं, तो जितनी बार जाता है वो हमारा कॉन्टिनेंट हो जाता है, और रिमाइंडर जो बचता है वो क्या हो जाता है हमारा, यहाँ पर आ जाता है, तो रिमाइंडर बचेगा कितना, जीरो। ठीक है, तो 195 बार जा रहा है, तो 195 अब यहाँ पर जीरो आ गया ना रिमाइंडर का, मतलब हम जब तक रिमाइंडर करते जाते हैं जब तक जीरो मान ना आए, तो यानी हमारा कितना मल्टीपल आ जाएगा, यानी ऐसे कितना आ गया हमारा इसका, 196 आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा।